सीएम केसीआर ने कहा, राज्य में जहां भी आपदा आती है पुलिस विभाग सबसे आगे होता है। अगर पुलिस व्यवस्था बेहतर होगी तो समाज भी बेहतर होगा। केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद में अपराध कम हुए हैं, समाज कल्याण में सुधार लाने वाली पुलिस को सलाम। मंत्री केटीआर ने तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तारीफ की, जबकि सीएम केसीआर ने ट्विटर पर तेलंगाना के लिए विश्व स्तरीय एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने पर विजन को सलाम किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि वह राज्य के लोगों को सीसीसी समर्पित कर रहे हैं और इससे जुड़े वीडियो को नेटिजन्स के साथ साझा किया। ट्वीट करने वाले एक और मंत्री ने कहा है कि यह केसीआर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा तेलंगाना है। हम इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष विकास मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यादाद्री मंदिर, कालेश्वरम परियोजना, सड़कें, टी हब, केबल से बने पुल, TSPICCC की तस्वीरें तेलंगाना में ट्वीट की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने टिप्पणी की है कि राज्य में मुनुगोडु की तरह और उपचुनाव होंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी का परचम लहराना तय है और सर्वे भी यही कहते हैं। दो दिन पहले आई रिपोर्ट में के मुताबिक बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी राज्य में 60 से 65 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हुए 4 उपचुनाव में से हमने 2 स्थानों पर जीत हासिल की है। मुनुगोडु उपचुनाव राज्य के भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास के साथ पार्टी में आएगा उसे शामिल कर लिया जाएगा। निजी स्वार्थ के लिए आने वालों का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि टिकट के मामले में किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है, यह मामला पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। बंडी संजय ने कहा है कि कोमट्रेडी बंधुओं ने कई मौकों पर मोदी और बीजेपी की योजनाओं की तारीफ की है। भोलकपुर के श्री हनुमान मंदिर परिसर में देवी श्री कालिका माता की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विद्वानों द्वारा की गई है। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और विशेष पूजा में शामिल हुए। श्री आंजनेय स्वामी मंदिर विकास सोसाइटी के अध्यक्ष तलसानी चिन्ना श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मंदिर का निर्माण 2 महीने 10 दिन में सभी के सहयोग से पूरा हुआ है। इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के सदस्य शिव कुमार, राजेंद्र प्रसाद, नागेश्वर राव, विनोद सिन्हा और अन्य ने भाग लिया। विधायक केपी विवेकानंदा ने राज्य के सबसे बड़े मॉडल पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। यह बाचुपल्ली में उद्घाटन के लिए तैयार है। इस पुलिस स्टेशन का निर्माण CSR फंड से करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। विधायक केपी विवेकानंदा ने स्थानीय SHO नरसिम्हा रेड्डी के साथ मॉडल पुलिस स्टेशन का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ताओं को बिना किसी परेशानी के आधुनिक सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के साथ आदर्श पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा है कि यह बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ISF अर्बन बायोडाइवर्सिटी के अतिरिक्त आयुक्त वी कृष्णा ने कहा है कि तेलंगाना सरकार हरियाली का क्षेत्र बढ़ाने हेतु अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को एशिया में ट्री सिटी अवार्ड मिला है। महेंद्र हिल्स दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हरिताहारम कार्यक्रम में कृष्णा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बचपन से ही छात्रों को हरित मूल्य को लेकर जागरूक करने के लिए DPS की सराहना की। CEO अविनाश ने कहा है कि वह हर महीने अपने स्कूलों के छात्रों को चॉकलेट की बजाय पौधे उपलब्ध करा रहे हैं। DPS प्राचार्य ने कहा है कि एक ही जमीन है और इसकी रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना VRO की संयुक्त कार्रवाई समिति ने मांग की है कि GO 121 को संशोधित या निरस्त किया जाए। हालांकि इस GO से VRO के सेवा नियमों में बाधा आ रही है। तेलंगाना VRO की संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष गोलकोंडा सतीश ने कहा है कि वे पिछले महीने की 23 तारीख से ही राज्य के सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटी में मेडिकल छात्रों ने DME कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने अपनी रद्द की गई मेडिकल सीटों के तत्काल पुनः आवंटन की मांग की है। MNR महावीर व TRR मेडिकल कॉलेज के PG मेडिकल छात्रों ने सीटों को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग NMC ने
गाइडलाइंस दी है तो भी सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा है कि न्याय को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और अदालत ने 4 सप्ताह की समय सीमा दी है। उन्होंने कहा है कि 3 सप्ताह की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, केवल 1 सप्ताह और बचा है। कॉलेजी नारायण राव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले इन 3 मेडिकल कॉलेजों में सीटें रद्द होने के कारण उन्हें इस बात का दुख है कि वे सड़क पर आ गए हैं। अब भी मंत्री हरीश राव और प्रमुख सचिवों से अनुरोध है कि वे तुरंत जवाब दें और उन्हें सीटें आवंटित करने के लिए शीघ्र व कारगर कदम उठाएं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगा। कुलपति डॉक्टर रविंदर ने कहा है कि ओयू के टैगोर सभागृह में आयोजित होने वाले 82वें दीक्षांत समारोह के दौरान सीजेआई को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ओयू ने अतीत में 47 मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। राज्यपाल तमिलसाई दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वही न्यायमूर्ति एनवी रमना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे, जबकि पिछले शैक्षणिक वर्ष में योग्यता दिखाने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा व PhD से सम्मानित किया जाएगा। 24वां दीक्षांत समारोह कल डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी परिसर में होगा। कनाडा के वैंकूवर कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की CEO प्रोफेसर आशा कन्वर राज्यपाल तमिलसाई के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी। यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर कुसुम्बा सीतारामा राव ने कहा है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के शीर्ष पर है। ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2021 तक डिग्री, PG और अन्य कोर्स पास करने वाले 94,206 छात्रों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसमें डिग्री में 28,817 छात्रों और PG डिप्लोमा में 7,369 छात्रों को दस्तावेज प्राप्त होंगे। डिग्री पास करने वाले में से 44,233 महिलाएं और 42,533 पुरुष शामिल हैं। फेडरल सॉफ्ट सिस्टम्स के MD किशोर कापुविदी ने कहा है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका में कई वाणिज्यिक केंद्रों में संचालित फेडरल सॉफ्ट सिस्टम्स ने भारत में जुबली हिल्स में अपनी 5वीं शाखा खोली है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन दंगा मामले में गिरफ्तार सेना के 15 उम्मीदवार जेल से रिहा हुए हैं। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने छोड़ दिया गया है। उनके परिवार के सदस्य चंचलगुड़ा जेल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। हैदराबाद शहर में सनसनी फैलाने वाली जुबली हिल्स गर्ल रेप केस के मुख्य आरोपी सऊदुद्दीन मलिक को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी है। मामले में इससे पहले 4 आरोपियों को जमानत मंजूर की गई थी, जबकि दोनों आरोपियों को जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने जमानत के लिए अपील की थी। इनमें से मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई है। उस्मानिया अस्पताल में निजी एम्बुलेंस चालकों की संख्या की एक सीमा है। मरीज के रिश्तेदारों पर निजी एम्बुलेंस चालक के हमले से हंगामा खड़ा हो गया। दिन ब दिन निजी एम्बुलेंस चालकों का रवैया नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। आरोप है कि उस्मानिया अस्पताल के कर्मचारी निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी की अनदेखी कर रहे हैं। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होने के बावजूद उस्मानिया के कुछ कर्मचारी उनके साथ साठगांठ कर निजी एम्बुलेंस चालकों को पैसा वसूलने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए मांगे गए पैसे नहीं देने पर मरीज के परिजनों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में हुआ है। राज्य में रोजाना कोरोना के मामले की संख्या एक बार फिर 1000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 43,318 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 1061 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। शहर भर में 401 नए मामले सामने आए हैं। रंगारेड्डी जिले में 63, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 56, नलगोंडा जिले में 51, राजना सिरसिला जिले में 47 और करीमनगर जिले में 43 मामले सामने आए हैं। वहीं 836 लोग कोरोना से ठीक हो चुके, कोई नई मौत नहीं हुई। राज्य में अब तक 8,23,724 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं,
जिनमें से 8,13,256 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 6,357 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन में कहा है कि राज्य में कोरोना से अब तक 4,111 लोगों की मौत हो गई है। पूरे तेलंगाना के 7 शहर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि हैदराबाद शहर में हर दिन के किसी न किसी समय पर बारिश हो रही है। गुरुवार को भी कई इलाकों में भारी बारिश से निचले इलाके में पानी भर गया। हैदराबाद के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश हुई। कुकटपल्ली, हैदरनगर, ऑलविन कॉलोनी, केपीएचबी, कोटी, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपल्ली, शेखपेट, लकड़ी का पुल, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, लिबर्टी, मियापुर, चंदा नगर, गच्चीबोली, सैदाबाद, शमशाबाद, सातमराय, गगन पहाड़, तोंडपल्ली में बारिश हुई। यूसुफगुड़ा इलाके में भारी बारिश के चलते सभी सड़कों पर पानी भर गया। श्री कृष्णा नगर, बी ब्लॉक, कम्युनिटी हॉल स्ट्रीट, सिंधु टिफिन सेंटर स्ट्रीट बाढ़ के पानी से भर गया। सड़कों पर खड़े वाहन बारिश के पानी में डूब गए। जैसे ही बाढ़ का पानी घुटनों तक आ रहा था, स्थानीय लोगों के साथ मोटर चालकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम जो अब तक सामान्य था, अचानक बादल छा गए और भारी बारिश हुई। वहीं शहर के निवासी पानी में भीग गए। शाहपुर नगर में कल सबसे अधिक 4 सेंटीमीटर बारिश हुई।